तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बेसिकली सामने आपके अपैरेटस रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर ये जो है बहुत सारा ढेर सारा पानी गर्म करना स्टार्ट किया है, फ्लेम जल रही है, आप लोग देख सकते हैं राइट। तो इस वक्त रूम का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास है। ये है मेरा कैलोरी मीटर एंड इसमें दो बेसिकली सिलेंडर्स रखे हुए हैं जिसके अंदर हमें पानी भरना है। तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। किस चीज़ के लिए? जब पानी गर्म हो जाएगा, गर्म पानी इसमें डाल के इसी से एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसी से रीडिंग लेंगे। ये वाला एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल है, अगर आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो खाली वाला सिलेंडर है मेरा, ये बिल्कुल खाली है, एम्प्टी, आप देख सकते हैं इसे, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, देयर इज अ स्टरर, एक चम्मच दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसके अंदर मैं अभी इसमें से गर्म पानी डालने वाला हूँ। पहले मैं चेक कर लूँ कि इसका टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है? एकदम हॉट बॉइलिंग नहीं करना है इसको, ठीक है? और अगर गलती से हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो आप वेट करिए, 70 कम से कम आने दीजिए और 70 से फिर आप रीडिंग लेना स्टार्ट कीजिए। तो 70 पे जैसे आ जाएगा तो आपकी घड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद में हर एक मिनट के बाद टेम्परेचर आपको नोट करना है। तो मेन काम यही करना है कि हर एक मिनट के बाद जब घूम के आ गए, घड़ी देखिए यहाँ से ऐसा रीसेट होती है, रीसेट होती है और यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। देखिए घड़ी ने चलना स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी प्लेन सी एनालॉग वॉच है। तो ये चलना स्टार्ट कर दिया इसने और फिर मैं इसे स्टॉप कर दूंगा, जो भी टाइम आएगा वो नोट कर लूंगा। मतलब टाइम नोट नहीं करूंगा, मतलब एक एक मिनट के बाद, जब ये एक मिनट घूमेगा ना तो उसके बाद ये टेम्परेचर नोट करूंगा। एनीवे इसको मैं जो है रीसेट कर देता हूँ। चलिए रीसेट भी हो चुका है ये, ओके। मैं चेक कर रहा हूँ कि बेसिकली कितना ये है, मतलब कब कहाँ तक पहुँच चुका है। अच्छा खासा गर्म हो गया, मुझे तो थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा और कितना पहुँचा है भाई। ओहो हो, लग रहा है 80 तक चला गया, इधर गया, नहीं, अभी तो सिर्फ 55 पहुंचा, 55 के आसपास, यस 56 है ना, वो रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो 55, 56, 57 ऐसा बढ़ रहा है अभी। ये काम करता, थोड़ा पानी कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ही पानी मैंने इसके अंदर ले लिया, इतना नहीं लेना होता है एक्चुअली। हम लोग क्या है ना कि जब सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं तब इतना सारा पानी लेते हैं, ताकि बेसिकली सब लोग थोड़ा थोड़ा इसका एक ही में गर्म करके इस्तेमाल कर सकें, एक ही चीज़ में गर्म करके सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकें। बट मुझे तो मेरे सिलेंडर के लिए बहुत कम ही चाहिए ना, तो मैं काम करता हूँ पानी थोड़ा कम कर देता हूँ, तो ये जल्दी थोड़ा बॉयल होगा। तो इतनी सारी हमने बातें की, बेसिकली इसमें करना के एक्सपेरिमेंट में वो तो जान लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमें वेरीफाई करना है न्यूटन के लॉ को, ठीक है? तो इसके लिए हमें कैलोरी मीटर लगता है। तो बेसिकली पूरा सेटअप कैलोरी मीटर है, विद सिलेंडर, विद वुड, विद दिस लिड, एवरीथिंग सब मिला के कैलोरी मीटर है। एंड ये स्टरर है, ठीक है? सो बेसिकली थर्मोमीटर लगता है, स्टॉपवॉच लगता है और पानी का वेसल लगता है, गैस बर्नर लगता है। तो ये पानी का वेसल है, गैस बर्नर है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये तो ठीक है। उसके अलावा बेसिकली यहाँ पे हमको खाली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेरीफाई करना है, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि जैसे जैसे चीज़ें ठंडी होती हैं, मतलब लिक्विड्स जो ठंडे होते हैं ना, तो उनका ग्राफ है ना ऐसा आता है, यानी कि पहले वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जब टेम्परेचर हाई होता है तो फटाक से गिरता है उसका टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो थोड़ा स्लो गिरता है, जब टेम्परेचर और कम होता है तो थोड़ा और स्लो गिरता है। तो बेसिकली उसका ग्राफ ऐसा आता है, यानी कि सेम रेट से नहीं गिरता है, उसका रेट डिक्रीज होते जाता है। ये न्यूटन का लॉ है, ये देखो, ये लॉ, ऐसा ग्राफ आया, मतलब आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेरीफाई हो गया, है ना? तो टेम्परेचर गिरना चाहिए टाइम के हिसाब से, इस तरीके से, इस प्रकार से, तब जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेरीफाई होगा, ठीक है? सो वी विल सी दैट, हम लोग देखेंगे कैसा ग्राफ आता है कि नहीं आता है, अभी सब रीडिंग्स लेने वाले हैं। चलिए आइए चेक करते हैं कि पानी कम करने के बाद टेम्परेचर फटाफट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो देखो इसमें कितना दिखा रहा है, ये तो रूम टेम्परेचर के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। एक तो यार ये फोकस करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। कम ऑन, आया फोकस में कुछ तो आया, यार राइट, सो इट इज समवेयर व्हाट, हाँ 35 के आसपास है, मतलब ऐसी रूम के, अरे ये गर्म हो गया था ना तो अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, रूम टेम्परेचर पे आ रहा है। अब इसे मैं लेके जाता हूँ, पानी के अंदर डुबाता हूँ, डुबाने जा रहा हूँ, देखिए देखिए कितना तेज भागा टेम्परेचर, आप देख पा रहे हैं, इट्स रनिंग वेरी फास्ट। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड सेंसिटिव थर्मामीटर, बट आई डोंट थिंक इट्स अ मर्क्यूरी थर्मामीटर, ये मर्क्यूरी का तो नहीं है, ये दूसरे मटेरियल का है, मर्क्यूरी तो थोड़ा सिल्वर टाइप का होता है ना। वाओ 60 70 70 बस पहुंचने वाले हैं, 70 के थोड़ा ऊपर जाने देंगे आराम से, तब तक मैं आपको एडजस्ट करूंगा, बैठूंगा, ऑब्जर्वेशन टेबल रेडी रखूंगा
फिर धीरे धीरे जब 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 वो 70 पे गिरेगा उसके बाद से मुझे जो है सारा ध्यान देना, मतलब मैं तो इसको पहले पूरा बहुत गर्म करूंगा, बिकॉज 80 के ऊपर कम से कम गर्म करूंगा, 80-90, ताकि जब मैं इसको पोर करूं तो पोर करने में, अरे मतलब इसको जब उसमें डालूंगा ना कैलोरीमीटर में, तब तक कहीं ठंडा ना हो जाइए, तो इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है हमको। अभी हो रहा है ये गर्म, ठीक है, देखो 70 के आसपास पहुँचने वाला है ना, 70 के आसपास पहुँचने वाला है ये। तो चलिए काफ़ी देर हो गई, आके चेक करते हैं कि बेसिकली ये टेम्परेचर बढ़ा के नहीं बढ़ा, किधर गया भाई। ओके हाँ, टेम्परेचर तो अच्छा खासा लग रहा है कि हो गया है, हाँ 70 के ऊपर गया। यस 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 73 74 75। चलो अब मौका है, बेसिकली गर्म हो चुका है ना, अब मौका है फटाक से इसके अंदर से पानी निकालने का, मतलब उसमें डालने का। चलिए तो इसको मैं हटा रहा हूँ फटाक से, देखो ये तो भी गर्म ही है, इसको मैं जलने दे रहा हूँ, देखो इसको जलने दे रहा हूँ। ये देखिए जैसे हम लोग नहीं गांव में बावड़ी से पानी निकालते थे, तो वैसे ये लेना है ये चीज़, और ये लेके इसको इसमें डालना है। चलिए तो बावड़ी की तरह इसमें सब हम निकालेंगे, पानी आ गया, पानी आ गया भाई इसमें। चलो तो देखो 3/4 तक पानी आ गया ना, अच्छा खासा पानी आ गया, ठीक है, तो पानी आ गया इसके अंदर, बस फटाफट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। इसको करेंगे बंद, गैस हो गई बंद, ये डालेंगे अंदर स्टारर को, ओके फटाक से लगाएंगे लिड ताकि ये टेम्परेचर एकदम अचानक में कम ना हो जाए, ठीक है गुड। ये डालेंगे इसके अंदर थर्मामीटर, देखते हैं वापस से चेक कर लेते हैं टेम्परेचर है कि नहीं, 70-70 होना बहुत ज़रूरी है शुरू में, 70 के आसपास एटलीस्ट। या इट इज़ हॉट, इट इज़ इंडीड हॉट, बट नॉट एग्जैक्टली 70, सो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी इसमें गर्म और मिलाना पड़ेगा, 70 नहीं हो रहा है ना। रुके मिलाता हूँ थोड़ा सा और, तो टेम्परेचर तो अच्छा खासा हो गया है, 70 नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, ये बार बार जब भी मैं, बिकॉज इसको ज़्यादा गर्म करोगे ना तो ठीक रहेगा, मतलब 70 से ऊपर गर्म करोगे, लेकिन अब 70 जब आप बेसिकली 70 के आसपास ही गर्म रखोगे तो टेम्परेचर भी फटाफट गिरेगा ना। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं 66 से रीडिंग से स्टार्ट करता हूँ, बट आप लोग याद रखना एक्सपेरिमेंट करना तो 70 से स्टार्ट करना, 70 ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं 66 से स्टार्ट करूँगा, तो मैं रेडी रख रहा हूँ अपनी घड़ी, मैं सामने घड़ी रखी हुई है और मैं हर मिनट पर टेम्परेचर नोट करूँगा। तो फिलहाल ऐसा 25 रीडिंग तक करना है, यानी 25 मिनट नोट करना है, ठीक है। तो चलिए 66 पे आया क्या, लग रहा 66 भी निकल गया, या 65 पे आ गया, 65 करेक्ट, 65 पे मैं रीडिंग नोट कर लेता हूँ फटाक से, स्टार्ट कर ले रहा हूँ। तो घड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है, ये जीरो है, जीरो मिनट, अब हर मिनट में नोट करना है, ठीक है, हर मिनट पे टेम्परेचर नोट करना है। तो जीरो मिनट पे जो मेरा आया, जीरो मिनट मतलब स्टार्टिंग की रीडिंग, पहली रीडिंग दैट वाज 65 डिग्री सेल्सियस, 65 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए वेट करते हैं, वन मिनट का भी, वन मिनट हुआ नहीं है, सिर्फ 25 सेकेंड हुए हैं, ठीक है। तो 55 के नज़दीक पहुँच के मैंने वापस वीडियो स्टार्ट कर दिया है, ओके 60 होने वाला है, चलिए रेडी हो जाइए फटाक से। देखिए तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 62, आपको दिखाने दिखाने में एक्चुअली वो टेम्परेचर गिर के 61 के आसपास आ गया, बट मैंने जो देखा ना दैट वॉज 62। सो पहले मिनट में टेम्परेचर 62 था, ठीक है, दिख रहा है ना आपको 60 के ऊपर, अभी एक लाइन देखो, बल्कि देखो 60 के नज़दीक पहुँचने वाला है, ये बहुत जल्दी गिरता है, स्टार्टिंग में बहुत तेज़ गिरता है, बाद में बहुत स्लो गिरेगा। सो वन मिनट जब हो गया था, तब जब मैंने देखा इट वॉज 62, ठीक है, इट वॉज 62, लेट्स वेट, इसको होने देते हैं पूरा एक मिनट और। चलिए फिर से पहुंचने वाला है ये, मैं देख के रखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो अप्रोक्सीमेटली भाई कितना है, हाँ 59 के आसपास आ गया, सो या इट्स 59। देखिए 60 के जस्ट एक नीचे है, अरे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 60 के एक नीचे, ठीक है, सो 60 के एक नीचे दिख रहा है 59। सो दो मिनट पास होने के बाद, जब दो मिनट पास हो गए तो टेम्परेचर गिर के 59 हो चुका है, ठीक है। अभी तीसरा मिनट चालू है, ऐसे करते 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 पूरी 25 रीडिंग्स लेना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखिए, इतनी सारी रीडिंग्स मैंने बैठ के आराम आराम से सब निकाली हैं। अब एक फाइनल रीडिंग आने वाली है, तो वो मुझे देखना है बेसिकली, है ना। मतलब वो जो रीडिंग आने वाली है, कौन सी, अब नहीं एक्चुअल में तो मुझे कौन सी देखना है, दो रीडिंग्स देखना है और, है ना, एक 24 वाली देखना है और एक 25 वाली देखना है। तो ये रीडिंग्स मुझे पूरी नोट करना है, मुझे टोटल मिला के पूरी 25 मिनट तक की रीडिंग नोट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल पहुँचने वाला है, देख लेते हैं कितना आ गया भाई ये। 38 के ऊपर है, 39 से नीचे है, तो इसको मैं 38 ही लूँगा। आप लोग को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा दिखा के ट्राई करता हूँ दिखाने का। हाँ, तो 39 आपको 8 दिखा के, नहीं 38, यस 38 दिख गया आपको। सो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं भाई, 38। अब आखिरी रीडिंग की तैयारी, ठीक है। सीरियल नंबर 26, रीडिंग नंबर 25, 25वां मिनट है ना भाई। हाँ, क्या ना, 25वां मिनट चल रहा है। सो लेट्स सी, अरे क्योंकि क्योंकि ये 0 मिनट पे डायरेक्टली लिखा था ना 65, समझे कि नहीं, अकल के बदलो। फिर एक एक मिनट के बाद लेना था, तो 25वें मिनट का देख लेते हैं। चलो आ गया, अभी भी आप देख सकते हैं कि 38 ही आ रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, मतलब ऑब्जर्वेशन पार्ट खत्म हो चुका है। 38 इज द आंसर, राइट। सो 38 रीडिंग है, 38। अरे भाई, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो दोस्तों, ये हैं हमारी रीडिंग्स बेसिकली। इसको आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूँ ये सारी ग्राफ्स, ठीक है। तो देखते हैं कि न्यूटन का लॉ वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये रीडिंग्स आने के बाद, ये जो है बेसिकली मैं पहला ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे हमें ना, मतलब क्या प्लॉट करना है, टेम्परेचर थीटा, और यहाँ पर है ना एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करना है। तो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट किया और ग्राफ कुछ ऐसी शक्ल का आना चाहिए, लेट्स सी। तो बेसिकली ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस पे थीटा प्लॉट किया है, और एक्स एक्सिस पर जो है मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूँ। और ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली मैंने कुछ स्केल लिखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस पे मैं 1 सेंटीमीटर 2 मिनट लूंगा, और वाई एक्सिस पे मैं 1 सेंटीमीटर 2 डिग्री लूंगा। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो रीडिंग्स आई हैं, तो टोटल मिला के आप देख सकते हैं कि टाइम हम लोगों ने 25 मिनट लिया है, 25 मिनट। तो अभी यहाँ पर 25 लाइंस तो है नहीं, 25 लाइंस होती तो एक एक सेंटीमीटर को मैं एक एक ये ले लेता ना, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिनट ले लेता। लेकिन 25 लाइंस नहीं है, लेकिन 12 लाइंस तो है ना, 12-13 लाइंस है मेरे पास। तो अगर एक एक सेंटीमीटर को मैं दो दो करके लूंगा, तो यहाँ पे 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट करते 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 यहाँ पे 25 मिनट इजीली आ जाएगा। वैसे ही डिग्री भी मेरा देखिए ना कितना कम हुआ है, 65 से शुरू किया था 38 पे आया है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान सकते हैं कि 30 डिग्री का फर्क है। अब 30 डिग्री यहाँ पर तो है नहीं बेसिकली, 30 लाइंस तो है नहीं जो मैं 30 डिग्री करूँ प्लॉट, एक एक सेंटीमीटर पर एक एक डिग्री करूँ, नहीं। तो मैं क्या करूँगा ना कि बेसिकली 1 सेंटीमीटर को 2 डिग्री लूंगा। तो वही मैंने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर 2 डिग्री और 1 सेंटीमीटर 2 मिनट, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख सकते हैं, ऊपर वाला एक्स एक्सिस है, नीचे वाला वाई एक्सिस है। चलिए, मतलब यहाँ जो लिखा है ऊपर और नीचे, ये ऊपर अगर ये एक्सिस को बोलोगे तो यहाँ पे थीटा है, और ये जो नीचे ये एक्स एक्सिस है वो टाइम है, वो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। चलो एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते 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 मुझे चाहिए 25 मिनट तक का। तो मैंने यहाँ पे 30 तक टाइम डाल दिया, जस्ट ऐसे ही खूबसूरत लगने के लिए बस। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली 24, 26, 28, 30 ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। 24 से स्टार्ट क्यों किया, बिकॉज 25 मेरा रूम टेम्परेचर था, तो जस्ट मैंने ऐसे ही 25 के ऊपर से मैं 4 दिन लेना। अच्छा, और ये क्या बनाया हुआ मैंने, ऐसे टेढ़ा मेरा लाइन बनाओगे ना, ऐसे जैगेड लाइन, इट मीन्स डिसकंटिन्यूस ग्राफ, क्योंकि डिसकंटिन्यूस है ना। अरे 0 के बाद सीधा 24 लिख दिया ना भाई, वरना एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था ना, 0 के बाद सीधा 24 लिख दिया, इसलिए यहाँ पे बीच में ऐसा जैगेड लाइन बनाने का इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। सो दैट्स डिसकंटिन्यू। तो बेसिकली 24, 26 ऐसा करके मैं प्लॉट करता चला गया, करते 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 दो दो डिग्री यहाँ पर जो है बेसिकली देखिए 66 पे आके मैं रुक गया, बिकॉज हमारा जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था वो 65 था, है ना। 65 वॉज द हाईएस्ट ना, 65 से कूलिंग स्टार्ट किया ना हमने, 65 से। आप लोग 70 से करना तो थोड़ा और अच्छा खूबसूरत रिजल्ट आएगा, बट एनीवे तो 65 से इसको प्लॉट करना स्टार्ट करना है। मैं इसको प्लॉट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको मैं जस्ट एक आध दो पॉइंट्स दिखा देता हूँ, बाकी पूरा मैं प्लॉट करने के बाद दिखाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, 0 पे 65 होना चाहिए, तो 0 टाइम पे टेम्परेचर होना चाहिए 65। तो देखो दिख रहा है, 64 और 66 के बीच में, 64 और 66 के बीच में 65। चलिए एक पॉइंट और ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला 3 के सामने 57 होना चाहिए, 3 के सामने 57, तो 3 किधर है भाई मेरा, तो 3 मिनट इधर है, 2 और 4 के बीच में 3 मिनट है। सो 3 के सामने ये देखिए
थ्री के सामने क्या है 55, सॉरी 57, 56 और 58 के बीच में क्या होता है 57, सो थ्री के सामने ध्यान से देखिए, थ्री के सामने, सो थ्री के सामने 57 किधर गया भाई, थ्री के सामने 57 है ना। तो ऐसे करके मैं चीज़ें प्लॉट करते जाऊँगा। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि 5 और 53 कैसे लेंगे, 5 और 53 कैसे लेंगे, तो भाई 5 देखिए ध्यान से, 5 कहाँ दिखा आपको, यहाँ पे 4 और 6 के बीच में, तो ये 5 है ठीक है। ऊपर चलिए ऊपर चलिए ऊपर चलिए ऊपर चलिए ऊपर चलिए ऊपर चलिए, 53 जाना है, 53 तो 52 के ऊपर ना, 52 के ऊपर और 54 से नीचे, तो ये आएगा ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट, अबे समझे क्या नहीं समझे। सो 5 पर ऐसा लेना है ठीक है, तो 5 पर 53। चलिए अब बाकी पूरा मैं बना के फिर बाद में दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से, मैंने ऐसा पूरा 25 मिनट तक है ना सब कुछ प्लॉट कर दिया है एकदम प्रॉपरली ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ पहले तेज़ी से गिरा, फिर धीरे धीरे होता जा रहा है, तो ग्राफ का शेप ऐसा कर्व्ड आ रहा है। तो ये पेंसिल से मैंने खींच दी लाइन, आप देख सकते हैं कि लाइन कर्व्ड लाइन है राइट। कुछ पॉइंट्स थोड़े से इधर उधर रह जाएंगे, उनको छोड़ दीजिए, बट मैक्सिमम पॉइंट्स आ जाए ऐसा कुछ कीजिए है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट एकदम अच्छा ग्राफ आ रहा है। अब इस ग्राफ के 5 जगह पर आपको है ना स्लोप निकालनी है, तो चलिए अभी वो करते हैं स्लोप वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ बन चुका है। और वाई एक्सिस पर जो है हमने मिनट्स प्लॉट कर दिए 2-2 मिनट्स, एंड एक्स एक्सिस पर मिनट्स प्लॉट कर दिए 2-2 मिनट करके, और वाई एक्सिस पर जो है पूरा डिग्रीज प्लॉट कर दी हैं। तो बेसिकली 2-2 डिग्री प्लॉट करके है ना, 2-2 डिग्री एक एक सेंटीमीटर में, सो एक सेंटीमीटर 2 डिग्री और एक सेंटीमीटर 2 मिनट है यहाँ पर, यहाँ पे मिनट यहाँ पे डिग्रीज। तो बहुत ही खूबसूरत ग्राफ आ चुका है। अभी इस ग्राफ पे हमें है ना 5 जगह पे स्लोप्स निकालना है। तो बेसिकली स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कर्व है ना, कर्व है यार, स्ट्रेट लाइन होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, स्ट्रेट लाइन रहती ना तो कोई भी 2 पॉइंट चुनो वहाँ स्लोप निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें स्लोप निकालना है किसी भी पॉइंट पर ना, तो बहुत दिक्कत होगी, और वो भी एक नहीं निकालना है 5 निकालना है बोला है। तो बेसिकली हमको क्या करना होता है कि ये जो आपका बेसिकली मिरर होता है, तो इस मिरर में आपको यहाँ पर देखना होता है कि कर्व एकदम कंटिन्यूस नजर आ रहा है कि नहीं। देखिए मिरर में कर्व टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा, देखो अगर मैं इसको टेढ़ा करूंगा ना, देखो कर्व टूट गया, आप देख सकते हैं कर्व टूट चुका है, तो मुझे कर्व टूटा हुआ नहीं, कर्व एकदम ऐसा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कर्व कंटिन्यूस जैसी हो गया वैसे आप इसको जो है बेसिकली एक लाइन खींच देंगे ठीक है। तो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर रहेगी किसको, कर्व को, इस पॉइंट पर, अरे जिस पॉइंट पर आपने मिरर रखा है ना उस पॉइंट पर जो लाइन है वो कर्व को बेसिकली परपेंडिकुलर होगी ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे इस तरीके से लाइन खींच लेना होगी, सो ये मैंने लाइन खींच ली है। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पूरी 5 परपेंडिकुलर लाइंस बनाता हूँ अच्छे से ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इसकी स्लोप निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ एक और पॉइंट पर, कोई और पॉइंट देख लेता हूँ। तो ऐसे आपको 5 पॉइंट्स लेने हैं, तो जहाँ पे ग्राफ एकदम कंटिन्यूस लगने लगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ग्राफ एकदम कंटिन्यूस लग रहा है, तो यहाँ पर एक और लाइन खींच देंगे, तो यहाँ पे ग्राफ जो है एकदम कंटिन्यूस नजर आना चाहिए। चलिए एक और लाइन मैंने खींच दी है, एक और लाइन मैंने यहाँ पर ऐसा बना दी है ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आता हूँ, इस पॉइंट पर आता हूँ, इस पॉइंट पर देखते हैं, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ग्राफ ओके, यहाँ पर हाँ कंटिन्यूस लग रहा है अब, तो ये मैंने लाइन खींच दी है, ये हो गई 3 लाइन्स। फिर ये इधर इधर आ जाता हूँ मैं, ग्राफ एकदम कंटिन्यूस दिखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ओके। तो ये 4th लाइन, और फाइनली यहाँ पर कहीं पर ओके करेक्ट, तो ये 5th लाइन आ चुकी है। तो ऐसे करके हमें जो है वो 5 लाइंस खींचना होती हैं। अब मैं जो है इसके ऊपर स्लोप भी बना के आपको दिखाता हूँ। तो स्लोप बनाने के लिए क्या करना है कि अब इन लाइंस को जो है मतलब यानी कि परपेंडिकुलर बनाना है, तो वो कर्व को टेंजेंट हो जाएगा ना। अरे भाई कर्व को टच होने वाली लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं ना, तो बेसिकली वो यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा। तो मैं टेंजेंट भी बना रहा हूँ ठीक है। सो यहाँ पर ये देखो, ये जो सीधी सीधी लाइन है टेढ़ी नहीं दिखना चाहिए, टूटी हुई दिखना नहीं चाहिए, एकदम कंटिन्यूस दिखना चाहिए। तो कंटिन्यूस एकदम मैं लाइन ले रहा हूँ ठीक है। तो बेसिकली वो कहीं भी ले सकते हैं आप, इधर लें चाहे इधर लें, एक ही बात है। तो क्योंकि पैरेलल ही है ना, पैरेलल चीज़ों का स्लोप सेम रहता है, तो बेसिकली बस लाइन खाली सीधी दिखना चाहिए। तो देखिए मैंने ले लिया ठीक है, एक ये ले लिया मैंने, वैसे अब यहाँ पे लेंगे ठीक है, यहाँ पे लेंगे, थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं बन पाया ये, बट ठीक है ओके ओके। फिर एक यहाँ पर ले लेंगे, फिर एक यहाँ पर ले लेंगे, अच्छा यहाँ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीधा दिखना चाहिए बस, दैट्स इट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर भी ले ले रहा हूँ एक, ये हो गया 3, तो इधर बन गए, ये 4th इधर ले ले रहा हूँ, क्योंकि जगह जहाँ पे मिले वहाँ बनाओ भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ ले ले रहा हूँ, एंड फाइनली एक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। सो बेसिकली यहाँ पर या राइट समवेयर हियर, यहाँ पे ले लेता हूँ, हाँ ये बराबर एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ना,
है कि नहीं सोहेल भाई, एकदम स्ट्रेट दिख रहा है कि नहीं? हाँ स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पांच जगह, ये जो बेसिकली लाइंस बनी हुई है, जैसे कि देखिए अभी ये वाली लाइन बनी हुई है राइट, ये लाइन, तो ये लाइन इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे खींचा हूँ एक्स एक्सिस को पैरेलल। अरे भाई मेरा एक्स एक्सिस ये है ना, तो उसको पैरेलल अगर मैं से लाइंस बनाऊंगा, ये सब देखो लाइंस बनी हुई है ऑलरेडी, तो ऐसे में लाइन बनाऊंगा तो ये जो एंगल निकलेगा ना ये थीटा एंगल है और टेन थीटा, अच्छा वैसे इसको हम लोगों ने थीटा नहीं बोला, डेल्टा बोला यहाँ पे आई गेस, लेट मी जस्ट चेक, यस इसको हम लोगों ने डेल्टा बोला है, करेक्ट एंगल डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तो टेन डेल्टा निकालेंगे तो भी स्लोप मिलता है। आपको पता है ना स्लोप का जो फॉर्मूला है वो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तो है ही, लेकिन स्लोप का एक और फॉर्मूला है टेन मतलब टेन डेल्टा, तो टेन डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा बाय द वे, मैं चाहे इधर लाइन बनाऊँ, चाहे मैं इधर लाइन बनाऊँ, चाहे मैं इधर लाइन बनाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे सारे एंगल्स बराबर ही आएंगे, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं भाई, तो सारे एंगल्स बराबर ही आने वाले हैं, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। तो जैसे वो जो जो ये वाली लाइन है, ठीक है, इसका भी हम लोग ना एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रोट्रैक्टर है, इसको डी नहीं बोलते हैं, आप लोग शॉर्ट में डी बोलते होंगे भले, बट इट इज प्रोट्रैक्टर। सो बेसिकली प्रोट्रैक्टर पे देखो एंगल कितना दिखा रहा है, ये देखिए ध्यान से 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पे ना, आप लोग देख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई ध्यान से अगर देखेंगे तो 60 डिग्री पे आ रही है लाइन, ये लाइन जो है इसका जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री है भाई, ये देखिए ध्यान से, इसको मैं अच्छे से अरेंज कर रहा हूँ वापस से, तो मैंने अरेंज कर दिया, कैन यू सी दैट 60 डिग्री पे जा रहा है, तो 60 डिग्री नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 60 लिख रहा हूँ, 60 लिख दिया मैंने 60 डिग्री का एंगल। अब मैं आपको कैलकुलेटर से टेन 60 निकाल के दिखाता हूँ। सो टेन ऑफ व्हाट 60, सो टेन 60 निकाला, सॉरी टेन 60 निकाला तो हमें मिला है 1.732 राइट, तो कैलकुलेटर में 1.732 आया है ना, यही आया ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो पांचवा लाइन था ना, हमने इसको फर्स्ट बोला था, याद करो हमने इसको बोला था फर्स्ट है ना, फिर इसको बोला था सेकंड, फिर इसको बोला था थर्ड, फिर इसको बोला था फोर्थ, और इसको बोला था फिफ्थ, तो ये पांचवे का देखो इधर स्लोप पांचवा देखो दिख रहा है 1.67। तो बेसिकली वाई टू माइनस वाई वन से निकाला तो भी 1.67 आ रहा है, और एंगल से निकाला तो वो भी 1.7 के आसपास आ रहा है, 1.73 विच आर नियरली सेम, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए थियोरेटिकली, लेकिन असलियत में तो आता नहीं, आपको बात मालूम है एग्जैक्टली सेम कभी नहीं आता है, बट थियोरेटिकली सेम आ गया ना, तो बेसिकली 1.67 ले लो चाहे 1.73 लो। तो अभी ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा चलने वाला तरीका है, लेकिन हम हमारे कॉलेज में बेसिकली स्लोप्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन से नहीं निकालते, ये एंगल से निकालते हैं, ये ज़्यादा मॉडर्न तरीका और ज़्यादा ईजी तरीका है। तो इसलिए यहाँ पर अब मैं वही मॉडर्न तरीके से स्लोप लिखूंगा, टेन डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है तो 1.732 आ रहा है, 1.732 मैंने नोट डाउन कर लिया, 1.732। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आप लोग इस मेथड को बहुत अच्छे से सीख जाएं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक आपको एक लाइन का और दिखा रहा हूँ, चलिए इस लाइन का दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए इस लाइन का ध्यान से देखिए, इस लाइन का थर्ड वाली का, अरे बाबा ये जो थर्ड वाली लाइन है ना, इसका एक एंगल दिखा देता हूँ। तो एक्स एक्सिस पहले बनाना पड़ेगी ना, तो एक्स एक्सिस बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दी एक्स एक्सिस, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक्स एक्सिस, अरे थोड़ा सा ज़्यादा गंदा बन गया, थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहिए, तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मैंने बना दिया है। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एंगल, और ध्यान से एंगल देखिए कितना एंगल आ रहा है, ओके तो मेरा जो एंगल आ रहा है ये लाइन का, ये लाइन का है भाई, और ये लाइन इसके अंदर छुप गई है, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस, नीचे लेना पड़ेगा, देखो ये सब भी मिस्टेक्स होती हैं ना, ये सब भी गलतियाँ होती हैं, यहाँ पे कहीं पर लेना पड़ेगा ताकि लाइन दिखाई तो दे कि कहाँ से जा रही है। तो बेसिकली मैं एक्स एक्सिस यहाँ बना देता हूँ, ठीक है बन गया एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस बना अब, ठीक है अब यहाँ पे रख दिया है ना, अब यहाँ पे रख दिया, अरे भाई देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? यस, तो इट इज़ गोइंग थ्रू 46, कैन यू सी दैट 46 पे से जा रहा है, 46 पे से ये वाला लाइन, और ये कौन सा थर्ड था ना, अरे थर्ड था भाई, 1, 1, 2, 3 है ना, 4 ये था, 5th ये था, तो बेसिकली जो ये थर्ड वाला है इसका हम लोग ने देखा 46 एंगल आ रहा है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 46, तो यहाँ पे मैंने लिखा 46, तो tan 46 कितना आएगा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सो tan ऑफ 46, सो tan ऑफ व्हाट 46, आई एम गेटिंग 1.0355, तो मैं ले रहा हूँ 1.04 है ना, या फिर लिख लेते हैं कम से कम एक दो डिजिट, तो 1.1 सेकंड मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना था, ये तो सेकंड वाले का है, थर्ड वाले में लिखना है 46, और ये 1.0355 था ना,
1.036 है ना, 1.036 ओके। तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, नोट डाउन कर लिया। वैसे इतना भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे ग्राफ बनाने में, इससे कम यूज़ करना पड़ेगा, दो डिजिट्स यूज़ करना पड़ेगा भाई डेसिमल पॉइंट के बाद। बट ठीक है, तो 1.036। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला लाइन का, तो बेसिकली अगर आप थर्ड लाइन को ध्यान से देखेंगे तो थर्ड लाइन का हमने जो स्लोप निकाला है, देखो ये देखो कितना है, 1.10 है ना। तो 1.10 मतलब ये 1.10 समझ रहे हैं ना, ये 10 है, 10 डेसिमल का 10 है और वहाँ पे 3 है, इट्स ओके। तो 1.1 तो आ रहा है ना मेन, मतलब 1.1 के आसपास ही आ रहा है ना एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नहीं देखना है, ये भूल जाइए स्लोप्स कभी निकली थी है ना, ये तो मैंने जैसे आपको एक्स्ट्रा दिखाया है, आप इन सबको भूल जाइए। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ये चीज़ें नोट कर देंगे। तो ऐसे मैं सबकी स्लोप्स जो है निकाल ले रहा हूँ एंगल निकाल के, ओके, और बाद में आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए ध्यान से, पहला 60 डिग्री आया, मतलब पहला नहीं पांचवा 60 डिग्री आया, चौथा 52 डिग्री आया, तीसरा आपके सामने निकाला था, आपके सामने 46 डिग्री, और उसके बाद में उससे कम आया 35 डिग्री, और फिर उससे कम आया 29 डिग्री है ना। तो 29 35 इस तरीके से आया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वो सारे रीडिंग्स लिख दे रहा हूँ। तो ये देखिए सबका टैन निकाल लिया, तो 1.73 1.28 1.36 मतलब 0.36 0.700 0.554 इस तरीके से हमारी जो है वैल्यूज़ आ रही हैं। आई होप कि आप ये बातें समझ पा रहे हैं। तो अब ये जो रीडिंग्स हैं, बेसिकली ये रीडिंग्स तो हमने निकाल ली, मतलब स्लोप की रीडिंग्स निकाल ली। किसकी रीडिंग्स निकाल ली, स्लोप की। अब ये जो है ये टेम्परेचर, ये कौन सा है? तो टेम्परेचर बेसिकली देखिए, बहुत ध्यान दीजिए, आपने जिस पॉइंट पर मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी फिर स्लोप निकाली है ना, उसी पॉइंट का टेम्परेचर आपको नोट करना है। तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा, स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, कि आप है ना एक काम किया कीजिएगा कि आप है ना बिल्कुल ये जो परफेक्ट लाइन्स होती है डार्क वाली, अरे डार्क वाली जो लाइन्स होती है ना, ये परफेक्ट लाइन्स ही, तो हरी कलर की लाइन है एकदम परफेक्ट लाइन, इसी के ऊपर का कोई पॉइंट लेके बनाना। अरे मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे थोड़ा हैबिट एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है कि मैं कहीं भी बना सकता हूँ, कहीं से भी मतलब डिग्री निकाल सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आप लोगों को हो सकता है ना समझ में, तो आप लोग ना ऐसी लाइंस यूज़ कीजिए। देखिए ये हरी वाली लाइन दिख रही है एकदम डार्क, तो ऐसी लाइंस के आसपास कहीं पर स्लोप निकालने की कोशिश करिए। आई होप कि आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली अभी चलो ठीक है, एनीवे जब मैंने निकाल ही लिया तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो ये था हमारा पाँचवा वाला था, बेसिकली इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो डिग्री आ रहा है इसका, ये डिग्री है, देखो ये दूसरी लाइन है ना, ये दूसरी लाइन है, दिस इज़ दूसरी लाइन, अरे दूसरी लाइन पे आ रहा है भाई। तो 56 के नीचे की दो लाइन, तो ये दो लाइन है ना चार डिग्री के बराबर होगी, एक सेकंड सॉरी चार डिग्री नहीं आई एम सो सॉरी पॉइंट चार पॉइंट फोर के बराबर होगी। तो ये होगा 56 से पॉइंट फोर नीचे, यानी कि 55.6, समझ पा रहे हैं, 55.6 हो गई, कितना होगा 55.6। अरे अकल के बदलो, ये देखो ध्यान से, ये कितना है, ये है 54 है ना, ये 54 है, और इसके आगे यहाँ पे 56 है, बीच में क्या होगा 55, तो 55.2 55.4 55.6 समझ रहे हो, 55.6। तो बेसिकली ये जो हमें टेम्परेचर आया है 55.6 डिग्री सेल्सियस आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 55.6, अरे पांचवा ग्राफ मैंने पहले लिखा है ना, तो इसलिए मैं ऐसा सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूँ 55.6। चलो एक सेकंड एक और दिखाता हूँ, चलो इजी वाला दिखाता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ। देखो ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी पे ही है, आप देख सकते हैं ना, ये तो बिल्कुल बराबर एकदम परफेक्ट लाइन है ना, किधर गई, सो ये वाली दिख रही है। अरे बाबा, ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ निकालना होता है, कहाँ पे, जहाँ पे आपने ये लाइन खींची है ना, तो ये पॉइंट जो है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली कितना है, 40 है, तो एग्जैक्टली 40, तो फर्स्ट वाला जो है वो 40 है 40 डिग्री सेल्सियस। अब सेकंड वाला भी एक और दिखा देता हूँ, ठीक है, लास्ट इससे ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये यहाँ से 43 है ना, सो 43 जो है बेसिकली वो ये, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, सेकंड वाला ही है ना, हाँ सेकंड वाला ही, सो 43 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब यार अपना इंसिस्ट कर ही रहे तो इसका भी बता देता हूँ, तीसरा वाला कहाँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ये हार्ड वाला भी है ना, तो ये अगर मैं देखने जाऊँ तो ये सेकंड लाइन ही आ रही है, तो सेकंड लाइन का मतलब है 0.4 नीचे, तो ये हो गया 47.6, अरे मतलब 48 से 0.4 नीचे है ना, तो 47.6 समझे, तो ये जो है मेरा 47.6 का टेम्परेचर यहाँ पे, अरे समझो अकल के बदलो, 47.6 डिग्री सेल्सियस, बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ बन गया, सो मतलब बहुत ज़्यादा मैसी हो गया ग्राफ, सो 47.6। एंड फाइनल ऑब्वियसली ये जो है ये वाला बचा है लास्ट फोर्थ वाला, तो ये यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं नीचे से, मतलब ये जो बीच की लाइन है ना मेन, इसके ऊपर सिर्फ दो लाइंस है, इसके ऊपर की दो लाइंस,
तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका 50 51, देखो ये 50 है, 52 है, तो 51 ये हो गया, 51 से 2 लाइन ऊपर मतलब 0.4 ऊपर, तो 51.4, तो समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो है ये 51.4 है, 51.4। ओके, अब ये क्या चीज़ है, इसके बाजू में जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? तो ये जो है बेसिकली डिफरेंस इन टेम्परेचर, सराउंडिंग सराउंडिंग थीटा माइन थीटा तो ये हो गया, और थीटा नॉट क्या है, सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था 25 से। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना है 55.6, 55.6, 55.6 माइनस 25 इक्वल टू 30.6, तो ये आ गया आपका 30.6। ऐसा करके सबका मैं निकाल लेता हूँ, तो इस तरीके से जो है मेरे, ये देखो सारी रीडिंग्स आ चुकी है, आप लोग सारी रीडिंग्स एकदम अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग्स आ गई, अब इस रीडिंग से मुझे ग्राफ बनाना है भाई, ग्राफ बनाना है, तो चलिए आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास एक खाली पेज होना चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, यस होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पहले रीडिंग्स को नोट डाउन कर लेते हैं कैसा है, देखो कहाँ तक जा रहा है, देखो 40 से लेके 55, बट मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, कोई इशू नहीं है, और ये 15 से लेके 30 लास्ट है, सॉरी सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये तो देखना ही नहीं है, ये प्लॉट करना है और ये प्लॉट करना है, स्लोप वर्सेज ये। तो यहाँ पे 17 तक जाना है ना, 17 लाइन्स मेरे पास हैं कि नहीं है, या होंगी होंगी, गारंटेड होंगी, 17 तो ईजीली है, वाई एक्सिस में प्लॉट करना है ना। अब देखो डी थीटा बाई डी टी दिख रहा है, तो ये डी थीटा बाई डी टी है ना, तो ये टेन डेल्टा की वैल्यू जो है ये प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे, तो 17 लाइन्स ईजीली वाई एक्सिस पे होती है, और एक्स एक्सिस पे मुझे 30 तक जाना है, तो 15 लाइन्स में मेरा काम हो जाएगा, 15 लाइन्स में ही मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा काम, लेट्स ड्रॉ इट। तो मुझे जो बेसिकली रीडिंग्स आई थी टैन की, बहुत बारीक बारीक, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.7, तो इसको मैंने ना ऐसे लिख दिया, देखिए जैसे 1.73 है ना, तो मैंने एक लास्ट वाला तो इग्नोर ही कर दिया है, लास्ट वाले डिजिट को तो मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, और मैंने किस तरीके से लिए चीज़ें आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने मैंने क्या किया देखिए, तो 1.732 को मैंने क्या किया है 17.3, और उसके बाद ये देखिए 1.28 था ना, तो उसको 12.8 कर दिया है, 12.8, और भी अच्छा 12.88 थोड़ा सा मिड गया है 12.8, और फिर उसके नीचे देखिए ये 1.036 था ना, तो उसको 10.36 लिखा, लेकिन 10.36 मुझे चौथा डिजिट चाहिए नहीं, तो राउंड ऑफ कर दिया, 10.4 हो गया, ये 7.0 हो गया, वो 5.5 हो गया, 5.5, और बाजू में मैंने लिख दिया है कि मैं हर एक डिजिट को लेफ्ट में खींच रहा हूँ, इसलिए 10^-1 हो जाएगा, तो 10^-1 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब मैं ये, अब ये प्लॉट करना आसान है ना, अरे 5, 7, 10, 12, 17 ये सब प्लॉट करना बहुत आसान है, तो अब मैंने यहाँ पर भी वैसे ही करके बनाया, देखिए वाई एक्सिस पे सब ये पूरा देखो ना, 1 से लेके पूरा 17 तक गया हूँ मैं, 17 तक गया हूँ यहाँ पे देखिए, तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया, 1 cm = 1, और एक्स एक्सिस पे अगर आप ध्यान देंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये 2, 4, 6, 8 करके मैंने सब 30 तक गया हूँ, और ये देखो तो एक्स एक्सिस पे 1 cm 2 degree है, एक्स एक्सिस पे 1 cm 2 degree सेल्सियस है, समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे देखो ना मुझे कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है ना, 30.6 तक, समझे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मुझे 1.7 तक जाना है, तो लेट्स सी, सो बेसिकली लेट्स सी कि किस तरीके का ग्राफ आता है, ग्राफ आना तो चाहिए स्ट्रेट लाइन, बट देखते हैं आ पाता है कि नहीं आ पाता है। तो चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं, तो ये क्या जो है बेसिकली 15, एक्स एक्सिस पे 15 है, और वाई एक्सिस पे कितना है 5.5, अरे देखिए ना 5.5, सो ये 15 है और 5.5 है, चलिए ये प्लॉट करते हैं। सो बेसिकली 15 किधर आएगा भाई, ये तो 14 हो गया, एक्स एक्सिस पे 15 आना चाहिए, 15 और 5.5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो ये 5 है, वो 6 है, 5 और 6 आ रहे हैं ना इधर, बीच वाला जो है 5.5 है, तो 15 वर्सेस 5.5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 15 वर्सेस 5.5 वो आ गया, ये वाला पॉइंट है ना, 15 वर्सेस 5.5 आ रहे भाई, हाँ के ना, उसके ऊपर देखो 18 वर्सेस 7.0, सो 18 ये है 18, हिंदी में 18 बोलते हैं, मराठी में 18, सो 18 वर्सेज 18 तो यही था ना भाई, मेरा किधर गया, 18 वर्सेज 7.0 किधर है, ये है 7.0, सो 18 वर्सेज 7.0 देख पा रहे हैं आप लोग क्या, नहीं देख पा रहे हैं, हाँ करेक्ट, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए एक हार्ड वाला करता हूँ और फिर बाद में रिमेनिंग में फटाफट कर लूँगा, तो जैसे 26.4 है ना, 26.4 किसके वर्सेज में है, ये 12.8 के वर्सेज में, 12.8 और 12.8 वाई एक्सिस में, हाँ वाई एक्सिस 12.8 है और एक्स एक्सिस पे 26.4 है, 26.4 आइए देखते हैं, 26.4, तो बेसिकली 26.4, अब देखो ये 24 है, ये 26 है, हाँ क्या ना, अब बीच वाला क्या होगा, 27 होगा, ये 27 होगा ना, तो
एक एक लाइन जो है ना वो बेसिकली चार के बराबर है, चार नहीं सॉरी दो के बराबर है, दो के बराबर, 0.2 के बराबर, 26.2, 26.4, अरे हाँ क्या ना, फिर 26.6 आएगा, 26.8 आएगा, फिर ये आ जाएगा, अरे मैं बराबर बना नहीं पा रहा हूँ इधर, अकल के पुतलो, मेरी जो पेंसिल है वो खुद इतनी मोटी है, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 26.2, 26.4, 26.6, तो 26.4 चाहिए था ना, तो 26.4, तो 26.4 वर्सेज 12.8, 12.8 किधर है भाई, 12.8, तो 12.8 यहाँ कहीं पे है ना, ये 12 है और ये ऊपर उसके 8 लाइन्स है, 8, तो ये 8वीं लाइन, ये देखो, तो बेसिकली हो गया 26.4, मतलब दो लाइन इधर, अरे ये देखो ध्यान से देखो, 26.4 इधर लिया और इधर 12.8 लिया, 12.8, समझ पा रहे हो, 26, अरे यहाँ से दो लाइन्स आगे और यहाँ से कैसा, यहाँ पे है ना दो लाइन्स इसके नीचे, 13 के नीचे, तो ये आ गया ना मुझे क्या, नहीं आया, ऐसा करके चले। तो फाइनली स्टूडेंट्स मैंने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ये देखिए थोड़े पॉइंट्स बिखरे बिखरे से आए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं आए हैं, बट यू कांट अवॉइड इट बिकॉज क्या होता है ना कि नूडल्स ऑफ कूलिंग एक्सपेरिमेंट में सब कुछ खुला खुला सा है, कैलोरीमीटर से हम चाहे कितना चीज़ों को ढक लें बट उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ रह ही जाती है एनी वे, सो बट जो भी है इतना भी बुरा नहीं है। तो ओरिजिन से आपको एक ऐसा पॉइंट चुनना है जो मतलब यानी कि बाकी सारे पॉइंट्स को एवरेज आउट कर दे, बैलेंस कर दे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने एक एवरेज लाइन बनाई है इसके थोड़ा इस तरफ एक पॉइंट है और ये पॉइंट भी थोड़ा इस तरफ है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये दो पॉइंट्स हैं जो कि दोनों इस तरफ हैं, है कि नहीं, तो एक तरीके से इसको वो वाला बैलेंस कर रहा है और इसको ये वाला बैलेंस कर रहा है, ये वाला है ना, ये इसको बैलेंस कर रहा है और ये जो है ये उसको बैलेंस कर रहा है, तो इस तरीके से हम एक एवरेज लाइन इसको मान सकते हैं, तो एवरेज लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो हेंस न्यूटन्स लॉ इज वेरीफाइड। तो बेसिकली ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैथ्स कह रहा है, तो मैथ्स जो है कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे जब हमने प्लॉट किया ना ये स्लोप वर्सेज टेम्परेचर का डिफरेंस, तो हमने प्लॉट किया, तो एज वी ऑब्टेन्ड व्हाट, इधर गया भाई कहाँ लिखा है, या एज अ ग्राफ ऑफ डी थीटा बाई डी टी अगेंस्ट थीटा माइनस थीटा नॉट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, हैंस न्यूटन्स लॉ इज वेरीफाइड। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने जो है वेरीफाई कर लिया, तो बेसिकली इस तरीके से हमारा ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट जो है समाप्त हुआ। तो ट्वेल्थ वाले बच्चे बेचारे कितनी मेहनत से सब एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं समझ सकता हूँ, सो द एक्सपेरिमेंट इज क्वाइट लॉन्ग बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, रीडिंग्स एंड ऑल सब एकदम ईजी है, और ग्राफ है हाँ ये पहला वाला ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हैं इसको, बट डिफिकल्ट नहीं होगा तो फिर वो फिजिक्स कैसे है, फिजिक्स में तो डिफिकल्टी होना ही चाहिए ना, और फिजिक्स बेसिकली ऐसे वैसे लोग थोड़ी कोई पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ने के लिए भाई दिमाग चाहिए, तो आप लोग दिमाग वाले लोग हैं ना, आप लोग थोड़ा सा ब्रेन है, सो दैट्स वाई यू गाइज आर स्टडिंग फिजिक्स। सो चलिए एनी वे, सो बेसिकली इस तरीके से हमारा जो है ग्राफ आ चुका है और न्यूटन्स लॉ वेरीफाई हो चुका है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल।